चैप्टर का नाम है वन वन नहीं वन वो अन्ना वन चैप्टर का नाम है वन ठीक और इसको लिखे हैं सत्यपाल सत्यम सत्यपाल सत्यम ठीक है स्टार्ट करते हैं वन वन जो है बहुत जरूरी है ना लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए वन को हटा रहे हैं और क्या करते हैं वन के जगह पे वन को हटा के हम लोग मकान बना लेते हैं फैक्ट्री बना लेते हैं बहुत सारा ऐसा चीज कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए अपनी सुविधा के लिए हम वन को ही ऐड कर रहे हैं ब्रिज धरती का सिंगार है ब्रिज जो है धरती का सिंगार है और जीवन का आधार भी है अगर वन नहीं रहेगा तो हम इस धरती पे जीवित नहीं रह सकते हैं लेकिन फिर भी अपनी सुविधा के अनुसार हम धरती से वन को बिल्कुल ही हटाए जा रहे हैं इसमें स्टार्ट किया गया है छत से ज्यादा जरूरी है तरुवर यहाँ वृक्ष कटने ना दो वन उजड़ने ना दो बोलता है छत से ज्यादा जरूरी है तरुवर यहाँ तरुवर मीन्स होता है उत्तम वृक्ष वृक्ष में भी उत्तम लग गया है वृक्ष तो सब होता है लेकिन उसमें उत्तम लगा दिया गया है मीन्स क्या बहुत ही अच्छा बहुत ही ज्यादा छत से ज्यादा जरूरी है हमारे लिए उत्तम वृक्ष वृक्ष कटने ना दो वन उजड़ने ना दो बोला गया है कि वृक्ष को कटने नहीं देना है और वन को उजड़ने नहीं देना है और ये काम कौन करेगा हम ही लोग करेंगे और वन को हटा कौन रहे हैं हम ही लोग हटा रहे हैं और क्यों हटा रहे हैं अपने सुविधा के लिए कि वन हमको पेड़ पौधा नहीं चाहिए हमको छत चाहिए लेकिन यहाँ लेखक बता रहे छत ज्यादा जरूरी नहीं है वन ज्यादा जरूरी है एक मरुस्थल ना हो जाए सारा जहाँ ये धरा के रतन है बिखरने ना दो रतन रतन मीन्स बताए हैं लेखक एक बहुत ही ज्यादा कीमती होता है जैसे सोना चांदी ये सब को हम क्या बोलते हैं रतन बोलते हैं उसी तरह धारा को धरती धारा मीन्स क्या धारा मीन्स धरती धरती को लेखक रतन बता रहे हैं कि ये जो रतन है इसको बिखरने नहीं देना बिखरने मीन्स होता है ना कि हम लोग हटा रहे हैं गैप कर रहे हैं मतलब खोद देना खोना नहीं है एक मरुस्थल ना हो जाए सारा जहां जहां मीन्स आता है संसार जहां बोला गया है संसार को संसार मतलब मरुस्थल मरुस्थल हम जानते हैं मरुस्थल उसको बोला जाता है जहां पर हरियाली नाम का कुछ है ही नहीं तो वहां पर क्या होता है बहुत सारा प्रॉब्लम होता है पानी की समस्या आ जाती है लोग वहां पर जैसे हम लोग अभी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं वैसे नहीं जी पाते हैं तो बोला गया है कि वैसा जगह नहीं बनाना है एक मरुस्थल नहीं बनाना है इस संसार को मरुस्थल नहीं बनाना है ये रतन है ये धरती जो है एक रतन है और इसको बिखरने नहीं देना है मतलब चार लाइन में ये बताया लेखक कि हमको छत से ज्यादा जरूरी है हमको वृक्ष की उत्तम वृक्षों की और इसको हम कटने किसी भी कीमत पे कटने नहीं देंगे मरुस्थल नहीं होने देंगे धरती की शोभा बढ़ाएंगे और इसके लिए हमें चाहिए कि उत्तम वृक्ष लगाए ठीक है आगे बढ़ते हैं वृक्ष है तो ये कोयल भी है मोर भी है और सुहानी सुरभि में बसी गोर भी लेखक बता रहे हैं कि वृक्ष है तो कोयल भी है मोर भी है मतलब अगर धरती से पेड़ पौधा हटा दिया जाए तो हमारी जिंदगी तो संकट में आ ही जाएगी साथ में पशु पक्षियों की भी जिंदगी संकट में पड़ सकती है इसीलिए बोला गया है
सुगंध में बसी भोर भी। भोर मीन्स क्या? सुबह बोला गया है, इसीलिए लास्ट में हम यहीं पर आ गए कि हमको क्या बचाना है, वृक्ष को बचाना है। वृक्ष रहेगा तो पशु पक्षी भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। ध्यान है, आज दुनिया का इस ओर भी वेश बदली हुई, रंग भी हुए कहाँ, रंग में सुंदर बोलता। ध्यान है, आज दुनिया का इस ओर भी, दुनिया जब हमारे पास बहुत काफी मात्रा में कोई भी सामान रहता है तो उसका हम इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं, उसका महत्व भूल जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास वो चीज़ कम होने लगता है तो उसका महत्व हम जानने लगते हैं। तो उसी प्रकार हमारे पास पहले बहुत सारा पेड़ पौधा था, लेकिन क्या हो गया, धीरे धीरे जब पेड़ पौधा कम होने लगा तब लोगों को एहसास मतलब होने लगा, तब उसके मन में आया कि अरे सही में हम तो बहुत ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है उसी को हम मतलब खत्म करते जा रहे हैं, गैप होते जा रहा है और उसको मिटाते जा रहे हैं। तो क्या किया गया है, बोला गया है क्या कि पेड़ पौधा को हम जब देखा कि पेड़ पौधा कम हो रहा है तो उसको बचाने के लिए सब लोग उस पर ध्यान देना शुरू कर दिए। अभी भी होता है क्या कि हम लोग क्या अक्सर बोलते हैं घर में नहीं होता है बड़े तो छोटे छोटे क्या वो आता है ना पॉट, उसमें पौधा लगाए, जिससे क्या होगा उससे भी थोड़ा थोड़ा मतलब घर की सुंदरता भी बढ़ेगी और क्या होगा तो हमको वातावरण भी शुद्ध मतलब होगा। पेड़ पौधे से हमको क्या मिलता, ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा धरती पे तो हमको दिक्कत होगी, समस्या आने लगेगा। तो ये सब चीजें बोलता है, देश बदलती हुई रंग ऋतुएं कहाँ, रूप धरती का तुम यो बिगाड़ने न दो। बोलता है धरती का जो ये रूप है इसको ना बिगाड़ा जाए, और इसके लिए हमको चाहिए कि हम धरती पर काफी मात्रा में पेड़ पौधे लगाकर धरती की सुंदरता को बढ़ाएं, क्योंकि पेड़ पौधा के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अतः धरती पर जीवन को बचाए रखने के लिए वृक्षों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वनों की अंधाधुंध कटाई और साथ ही बढ़ते हुए प्रदूषण के इस दौर में वृक्षों की उपयोगिता को उजागर करने वाली प्रस्तुत सुयोग कविता निश्चय ही ये बताती है कि हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, क्योंकि हम पहले भी बोले हैं पेड़ पौधे के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, वन जहां है उसे आगे बढ़ते हैं। वन जहां है ये बादल उधर गिर गए, ये जो बरसे तो वसुधा के दिन फिर गए, मेघ पर्वत चढ़े तो ये हिम बन गए, फिर पलट कर ध्रुवों पर कहीं गिर गए, फासले बढ़ रहे हैं सभी तो यहाँ, मेघ बरसे बिना तुम गुजरने ना दो। इसमें बता रहे हैं कभी जो है वो बता रहे हैं, वन जहाँ है ये बादल उधर गिर गए, वन जहाँ रहेगा वहीं बारिश होगी, है ना, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि वन जहाँ है उधर ही बादल जो है अपना रुख बदल लेते हैं, मतलब उधर ही वो पहुंच जाते हैं। ये जो बरसे तो वसुधा के दिन फिर गए, वसुधा मीन्स धरती, बोलते हैं जहाँ बारिश होगी वहां कि जहाँ बारिश होगी वहाँ पे धरती की सुंदरता बढ़ जाती है, चारों तरफ हरियाली वो जल्दी देखने को मिलता है। मेघ पर्वत चढ़े तो ये हिम बन गए, और मेघ जो है पर्वत पर चढ़ जाते तो हिम मीन्स क्या, बर्फ बन जाते, फिर पलट कर ध्रुवों पर कहीं गिर गए, मतलब फिर वो पलट कर ध्रुवों मीन्स क्या, वृक्ष पर कहीं गिर गए, फासले बढ़ रहे हैं सभी तो यहाँ, मेघ बरसे बिन तुम गुजरे ना दो। इसमें यही बताया गया है इस चैप्टर में कि हमें वन को बचाने
कोशिश में लगे रहना चाहिए। हम जितनी अधिक मात्रा में वन को बचा सकते हैं बचाना चाहिए, क्योंकि वन जहाँ रहेगा वहाँ बादल बरसेगा, और बादल जहाँ जहाँ बारिश होगी वहाँ की धरती जो है वसुधा धरती, वहाँ की धरती जो है और अपने आप वहाँ हरियाली देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए फिर हम वही बात बोल रहे हैं कि वृक्ष है तो जीवन की कल्पना, वृक्ष के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, जीवन की कल्पना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। इसीलिए धरती पर वृक्ष को काफी मात्रा में संरक्षण करना चाहिए, जो कि अत्यंत आवश्यक है। वन कटने पर प्रदूषण अत्यधिक बढ़ने से नए नए रोगों की इतनी भरमार हो जाएगी कि लोग उन रोगों के नाम रखते रखते थक जाएंगे। वन अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, नए नए रोग मिस बीमारी, नए नए बीमारी इतनी काफी मात्रा में हो जाएगा कि उसका नाम जो है रखते रखते लोग परेशान हो जाएंगे। इसीलिए हमें वन को बचाना चाहिए, वन को बचाने से धरती पर जीवन को अगर बचाना है तो उसके लिए हमें वृक्ष का संरक्षण ज्यादा जरूरी है, ठीक है। रम उपवन ये वन और घनघोर वन, झील दर्पण ये झरने ये नदियों का तन, हम सभी के लिए तो समर्पित है ये, याद बढ़ी रहेंगे जो काटे ये वन, क्रुद्ध होगी प्रकृति क्षुब्ध पर्यावरण, संतुलन आज इनका बिगड़ने न दो। इसमें बताया गया है कि रम उपवन ये वन और घनघोर घन, झील दर्पण ये झरने ये नदियों का तन, हम सभी के लिए तो समर्पित है ये जो वन है उपवन है घन, वो सब कहाँ है, झील दर्पण